बिहार के गया में एक प्लेन नुमा रेस्टोरेंट इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जो अपने आप में काफी अनोखा है। भारत का यह पहला रेस्टोरेंट है जिसे बेंगलुरु में यह एरोप्लेन, जिसका मॉडल नंबर एयरबेस A320 है, कुल 100 सीटों वाली इस प्लेन को लगभग 4 करोड़ में बेंगलुरु के एक स्क्रैप एजेंसी से खरीदा गया और अब यह फ्लाई डाउन रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो चुका है और शनिवार को इसका भूमि पूजन किया गया। और इस फ्लाई डाइन रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर ने बताया कि 13 मार्च 2024 को यह रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। इस 100 सीटों वाली प्लेन नुमा रेस्टोरेंट में, जो कि फुल एसी है, यहां आने वाले हर कस्टमर को सुख सुविधाएं दी जाएंगी। यहां कस्टमर बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ हवाई जहाज का मजा लेते हुए रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। इस मौके पर इस प्लेन नुमा रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर अनूप लाल मेहता और अनिल मेहता ने बताया कि यह फ्लाइट टाइम रेस्टोरेंट को स्वर्गीय सुखदेव लाल मेहता की पत्नी की याद में बनाया गया। वहीं उन्होंने गया के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब तक आप कई बार रेस्टोरेंट में खाना खा चुके हैं, एक बार हमारे यहाँ भी आइए और यहाँ पर हवाई जहाज में बैठने जैसी पूरी फीलिंग आपको होगी। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप हवाई जहाज में बैठे हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों के कारीगर इसमें दिन रात काम करके इसको पूरा किए हैं। यह बिहार और झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एकदम नया है। एयरपोर्ट का रिसेप्शन समेत अन्य सभी चीजें तैयार हो चुकी हैं। इस एरोप्लेन रेस्टोरेंट की खासियत यह है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल है। चिल्ड्रन पार्क समेत रेस्टोरेंट में और भी बाकी सुविधाएं दी जाएंगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सुरेश निखर की रिपोर्ट। मेरा नाम चंद्रशेखर हुआ, मैं गया पेट्रोलियम एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथ और एसोसिएशन के मेंबर्स रमेश बाबू हैं, ट्रेजरर विश्वजीत जी है, वाइस प्रेसिडेंट राजेश जी है, वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग सब आके इस नए जो एक्सपेरिमेंट किया है रेस्टोरेंट का, जो एयरप्लेन में, उसका लुत्फ उठाने के लिए हम लोग भी आए हैं। और हमको लगता है कि ये पूरे बिहार का एक यूनिक जगह बन गया है और गया के लिए तो बहुत ही नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें हर आदमी को बिना टिकट का एरोप्लेन का मज़ा मिलेगा, प्लस उत्तम खाना भी मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये लगी कि आते समय हम लोग नोटिस किया कि ग्लास ब्रिज का मज़ा, जिसके लिए हम लोग को राजगीर जाना पड़ता था, वहाँ फ्री में मिलेगा। तो हमको लगता है हर आदमी को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए और इससे अच्छा जगह खाने के लिए मेरे ख्याल से गया में कोई उनको नहीं मिलेगा। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों कहेंगे कि एक बार आके देखें और हम लोग को जो मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठने के बाद, वो भी लोग लुत्फ उठाए और ये बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहेगा आने के बाद। आई एम श्योर आप बहुत इंजॉय कीजिएगा आने के बाद। थैंक यू। मेरा नाम चंद्रशेखर हुआ, मैंने जैसे बताया मैं गया पेट्रोलियम एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। लाया है और कैसे ये संभव हो पाया? ये कंसेप्ट 4-5-6 साल पहले से चल रहा था, तो हम लोग के दिमाग में था। उधर कोरोना काल में थोड़ा रुक गया था, ब्रेक हो गया था। कोरोना ख़त्म हुआ तो हम लोग इस पर मतलब देखे थे। हम लोग पहले लुधियाना में एरोप्लेन रेस्टोरेंट, तो सोचे कि बिहार में भी हम लोग इसका अमली जामा पहना दें। तो बेंगलोर से जाके हम लोग एक बात की, एक स्क्रैप कंपनी है जो पुराना हवाई जहाज बेचती है, तो वहाँ बात किए, उससे बात उत करके उसको एडवांस दिए, तो करीब करीब 1 साल लगा दिया वो बना के रेडी करने में। उसके बाद फिर यहाँ आया, वहाँ से बेंगलोर से 4-5 पीस में ट्रक से, बड़ा बड़ा लॉरी, टेलर नहीं होता है, वो टेलर से आया, आके यहाँ फिट किया, फिट करके पूरा रेडी किया और आज वो दिन आ गया कि इसका पूजा पाठ हो गया है। 13 तारीख से विधिवत ये पब्लिक के लिए रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा। आज अभी 2 दिन और इसमें कुछ काम बाकी रह गया, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो 13 तारीख से इसको हम लोग ओपन रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट को चालू कर देंगे एरोप्लेन का। क्या फैसिलिटी यहाँ आपका? नॉन वेज नॉन वेज सब सारा चीज़ अवेलेबल रहेगा खाने के लिए। और कैपेसिटी इसका है 100 सीट का, 100 आदमी एक बार में बैठ सकते हैं। अगर ज़्यादा आदमी आने पे नीचे वेटिंग लॉन्च बनाया गया है, उसमें वेट करें, उनको टोकन या कूपन कुछ दे दिया जाएगा, उनका जब नंबर आएगा वो अपने आप उनको खबर हो जाएगा, वो आके यहाँ अपना सीट ले लेंगे। शादी ब्याह में बुकिंग हो सकती है? नहीं नहीं, शादी ब्याह में इसमें नहीं बुकिंग होगा। ये पब्लिक का चार्जेज है पब्लिक के लिए? पब्लिक का जो रेस्टोरेंट का चार्ज रहता है वो है, वैसे 300 रुपया इसका पर हेड चार्ज है, जो आपको एंट्री लेने के पहले आपको 300 रुपये का कूपन लेना होगा और 300 रुपये का कूपन लेके ही एंट्री करना होगा एक व्यक्ति को।
बिल्कुल नया कांसेप्ट है, बिहार झारखंड का पहला कांसेप्ट है, क्या कहना है, सोच बनी। हम लोग देखे थे लुधियाना में तो सोच बना कि भाई हम लोग गया में भी इसको करें, वो एरोप्लेन रेस्टोरेंट को हाँ 300 रुपया का कूपन कटेगा, कूपन जो एडजस्ट हो जाएगा आपका खाना के बिल में। अगर करना चाहिए हाँ जी, क्या लोग उसे खाना चाहेंगे रेस्टोरेंट में? लोग को यही चाह रहे हैं कि गया के लोग को, लोग समझता था बिहार को बहुत पिछड़ा पिछड़ा, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा आगड़ी लाइन में बिहार को भी लाएँ, अच्छा एरोप्लेन रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट लाए, इसीलिए परचे अनूप मेहता नाम हुआ, ये होटल सुखदेव पैलेस होटल का नाम है, वहीं ये रेस्टोरेंट बना है एरोप्लेन रेस्टोरेंट, और इसके हम लोग प्रोप्राइटर हैं। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, कैसे सोच आई है? ये एक थीम बेसिस एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं। आजकल थीम रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट खूब चल रहा है, उसी में हम लोग एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट थीम का कॉन्सेप्ट लिए हैं, जिसमें कि हम लोग एक स्क्रैप एयरलाइंस को परचेस किए। ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये एयरबस का A320 है, जिसमें जिसको कि हम लोग स्क्रैप से लेके कंप्लीट रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किए हैं, और फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, और लगभग 100 लोगों की इसमें सिटिंग कैपेसिटी है, 100 लोग बैठ के इसमें एक साथ भोजन का मजा उठा सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं, एक एरोप्लेन का पूरा कंप्लीट एक फील ले सकते हैं। तो अंदर जाके भी आप देखेंगे तो आपको पूरा एकदम कंप्लीट एरोप्लेन का ही एकदम पूरा थीम दिखेगा, पूरा प्रोसेस भी जो ऑपरेशंस भी यहाँ पे हो रहा है वो उसी कॉन्सेप्ट पे रखा गया है। ये रिसेप्शन एरिया हो गया, यहीं से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, बोर्डिंग पास लेके आप अंदर जाएंगे, बोर्डिंग पास लेके अंदर जाएंगे फिर आपको वहाँ बिठाया जाएगा, खाना वाना आप अपना खावा के अपना खाने का लुत्फ़ उठाइए, अच्छे भोजन का लुत्फ़ उठाइए। यहाँ हम लोग पहले से रेस्टोरेंट चला भी रहे हैं, उसी में एक ये नया एक और रेस्टोरेंट हम लोग ऐड किए हैं थीम बेसिस पे। क्या चार्जेस लग रहा है इसमें? हम लोग 300 रुपये का बोर्डिंग पास आपको पहले लेना होगा, और वो 300 रुपये का बोर्डिंग पास जो आप कटाएंगे और अंदर जाके फिर खाना खाएंगे तो वो 300 रुपये आपके खाने में एडजस्ट हो जाएगा। आप अपने पहले बोर्ड कस्टमर शहरवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? हम शहरवासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि आए यहाँ एक बार, यहाँ आके यहाँ एक अलग जो इन्वायरमेंट है, एक अलग यहाँ पर फील मिलेगा आपको, उसको आके देखें, लुत्फ़ उठाएं और इन्जॉय करें। और सुखदेव पैलेस हमेशा से कुछ ना कुछ गया शहर में एक नया लेके आते रहा है, इस बार भी हम ही लोग पहले स्विमिंग पूल में भी गया में अच्छा बड़ा स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, आउटडोर के लिए स्विमिंग पूल हम लोग 31st का प्रोग्राम भी अक्सर कराना गया में स्टार्ट किए थे। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, और लोगों से अपील है कि आएँ यहाँ देखें घूमें और इन्जॉय करें, फैमिली के साथ आएँ। मेरा नाम अखिल मेहता है और हम यहाँ पे डायरेक्टर हैं।